दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। मैं यूं तो आपको इस एमएसएमई हेल्पलाइन पर बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि भारत सरकार की या जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं, उनकी आपके लिए, हमारे लिए, यानी जो हम एमएसएमई हैं, जो स्टार्टअप हैं, उनके लिए क्या स्कीम है, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों एक आपकी रिक्वायरमेंट है और मैंने भी देखा है, जब मैंने बहुत सारे एमएसएमई से बात की है तो आप कहते हैं कि भाई एक सिस्टमेटिक एक कोर्स हो जहाँ पर हमें 6 महीने 1 साल हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाए कि एक अगर व्यक्ति को या एक छोटे व्यापारी को, एक स्टार्टअप को अपना बिजनेस शुरू करना हो तो वो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस उसको अडॉप्ट करने चाहिए, किन किन प्रोसेसेस से उसको गुजरना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि हमने अब एक मोबाइल ऐप शुरू कर दिया है जिसका नाम है एमएसएमई की पाठशाला। दोस्तों अभी ये एमएसएमई की पाठशाला केवल एंड्रॉयड फ़ोन पर अवेलेबल है। मैं बताता हूं दोस्तों कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जब हम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हमें कहीं किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से शायद नहीं मिल पाते। अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चंस की तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई हम अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कौन सा बिजनेस करें, हम उसको शुरुआत कैसे करें, हमें अगर बैंक से लोन लेना है तो कौन कौन से बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो हमें लोन दे सकते हैं। जब हम ये डिसाइड कर लें कि भाई कौन से बैंक हैं और हमें कहाँ लोन अप्लाई करना है तो उस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी में हम लोन कैसे अप्लाई करें, क्या हम अपना बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में करें, पार्टनरशिप में करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करें, वन पर्सन कंपनी में करें, ट्रस्ट में करें, सोसाइटी में करें, एलएलपी में करें, ये हम कैसे डिसाइड करें। और जब हम ये डिसाइड कर लें कि हम अपना बिजनेस किस फॉर्म में करेंगे तो उस कंपनी या फर्म को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या हम जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए हमें अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क, पेटेंट या फिर कॉपीराइट लेना चाहिए, और अगर हमें ये लेना चाहिए तो हम अपनी कंपनी या फर्म के लिए पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क क्या लें, अपने लोगों का लें, नाम का लें, कैसे लें और कहां से लें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने बिजनेस में डूज एंड डोंट्स के तौर पर याद रखनी चाहिए, हमेशा उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक इशू के द्वारा अब हम अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करें तो हम अपने बिजनेस का आईपीओ कैसे ला सकते हैं, अगर हमें स्टार्टअप फंड की जरूरत है वो हम कैसे ले सकते हैं, अगर हमें कोलेटरल फ्री लोन लेना है हमारे पास, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं है फिर भी हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और बैंकों से लोन लेना चाहते हैं तो कोलेटरल फ्री लोन लेने के लिए बैंक की कोई स्कीम है या नहीं, कौन कौन सी ऐसी सब्सिडीज हैं जो हमारे लिए सरकार ने घोषित कर रखी हैं, अनाउंस कर रखी हैं, और वो जो सब्सिडीज़ हैं वो किस बिजनेस के लिए मिल सकती हैं, कितनी सब्सिडीज़ मिल सकती हैं, कहाँ पर आप अपना यूनिट लगाएं तब मिल सकती हैं, कौन सी यूनिट है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है या ट्रेडिंग है जहाँ पर ये सब्सिडी हमें मिल सकती है, अगर ये सब्सिडी हमें मिल सकती है तो वो सब्सिडी लेने के लिए हमें क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, क्या हमें अपनी कंपनी के लिए GST, TDS, परमानेंट अकाउंट नंबर या और बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं जो कराने पड़ेंगे तो वो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन हैं और वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो सकते हैं। हमारे जो इंडस्ट्री है या हमारा जो स्टार्टअप है उसके लिए लेबर लॉज की क्या गाइडलाइंस हैं, यानी हमें लेबर लॉज में रजिस्ट्रेशन कराना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है जब हम अपना कोई स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हैं, क्या सरकार हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए हमें कोई असिस्टेंस दे सकती है, क्या कोई ऐसी स्कीम है जहां पर ये जो एमएसएमईज हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए सरकार ये कहे कि भैया आप इस वेबसाइट पर आ जाओ, हम आपसे आपका माल जरूर ही खरीद लेंगे क्योंकि ये एक्ट में प्रोवाइडेड है। अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस करने में किसी वजह से कोई स्ट्रेस आ जाए, यानी कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हो सकता है दोस्तों कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कई बार हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार क्लाइंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार फंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर किसी भी वजह से
कोई हमारे बिजनेस में स्ट्रेस आ जाए, उस समय क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की या भारत सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जहां पर वो मेरी मदद कर सकते हो? और दोस्तों, जब हम बिजनेस करते करते एक ऐसी स्थिति पर भी पहुंच सकते हैं कि हमें लगे कि नहीं, हम आगे ये बिजनेस अब नहीं करना चाहते, यानी हम एग्जिट मोड में आ जाते हैं, तब हम अगर उस चलते हुए बिजनेस से या जो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब हम और काम करें, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एग्जिट मोड के लिए, एग्जिट रूट हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? दोस्तों, एक नहीं, हजारों ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब जब हम अपना नया स्टार्टअप या नई एमएसएमई शुरू करना चाहते हैं तो उनका जवाब हमारे पास नहीं होता। और जब तक हमारे पास उन चीज़ों का जवाब नहीं है दोस्तों, तो मेरी आपको ये सलाह है, तब तक हमें अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मैंने देखा है कि हम में से जो कोई भी एक स्टार्टअप लगाना चाहता है, एक अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, वो उनके लिए कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन हमें दिखाई नहीं देती, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ऐसे और बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब कहीं उनको पढ़ाया सिखाया जाता हो। हम जब किसी मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो शायद हमारे जो यूथ हैं उनका एक ही सपना होता है कि भैया पढ़ेंगे, ये 5 साल का कोर्स करेंगे और उसके बाद प्लेसमेंट के लिए तैयारी करेंगे और देखेंगे कि भैया किसी तरह ये कैंपस प्लेसमेंट हमारा हो जाए। तो ये तो हुआ दोस्तों कि जब हम जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये जो मोदी जी का सपना है कि यू हैव टू बी ए जॉब क्रिएटर देन ए जॉब सीकर, तो हमारे लिए क्या क्या सरकार की तरफ से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ से कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उनका जवाब मिल सकता हो। और दोस्तों, मैंने देखा है कि इस तरह की शायद बहुत सारी फैसिलिटीज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, यही सोचते हुए हमने ये एमएसएमई की पाठशाला ऐप शुरू की है, जिसमें हम 1 साल का एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपके हर सवाल का जवाब होगा। मेरी दोस्तों आपको सलाह ये है कि प्लीज आप इस एमएसएमई की पाठशाला को डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तो दोस्तों इसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस डाली हैं एक अवेयरनेस के थ्रू, जहां पर हम आपको बेसिक चीजों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द हम ये एक साल का एक पेड कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर आपको कुछ विशेष वीडियोस मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि आप अपना बिजनेस शुरू करने से पहले और उसकी बड़ा करने तक आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और स्टेप बाय स्टेप वो आपको चीज़ें किस तरह से करनी है। दोस्तों, इस एमएसएमई की पाठशाला में एक दो चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इसका ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे जो हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको हम देंगे फैसिलिटीज़ कि भाई आपकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि दोस्तों ये भी मैंने देखा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ डिफरेंट तरह की लैंग्वेज हैं, कहीं मलयालम है, गुजराती है, कन्नड़ है, कहीं पर पंजाबी है, ये जो लैंग्वेजेज हैं इन सब लैंग्वेजेज में जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, हम बहुत जल्द इसमें डिफरेंट लैंग्वेज में भी ये कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ में दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये फैसिलिटी भी दूंगा कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, बस अब देर नहीं करना है, प्लीज मैं आपको यहां पर लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जिसके द्वारा आप इस एमएसएमई की पाठशाला को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मुझे आपके जो फीडबैक है उसका इंतजार रहेगा। प्लीज आप ये एमएसएमई की पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने एंड्रॉयड फोन पर, और फिर मुझे बताइए कि इसमें आप क्या एडिशनल फैसिलिटीज़ और चाहते हैं। बहुत जल्दी दोस्तों हम इसको iOS पर भी लेकर जाएंगे, लेकिन अभी आप एंड्रॉयड फ़ोन पर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और मुझे बताइए कि आप इसमें और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो आप समझते हैं कि आपको अपना बिजनेस शुरू करने में और अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ, कभी आप समझो कि भैया अब ये जो मैं फ्री में आपको यहाँ पर ये जो MSME हेल्पलाइन पर ये जो वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, आपको थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ये कहीं बंद ना कर दूँ। नहीं दोस्तों, ये जो MSME हेल्पलाइन पर जो मेरी वीडियोस हैं, जो मेरा आपसे इंटरेक्शन है, वो एज इट इज चलता रहेगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना।
आप प्लीज इस एमएसएमई की पाठशाला को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और जितना प्यार आपने मुझे इस एमएसएमई हेल्पलाइन पर दिया है उतना ही प्यार मैं उम्मीद करता हूं आपसे इस एमएसएमई की पाठशाला के लिए। आज के लिए बस इतना। प्लीज इस एमएसएमई हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में इस बेल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं अपना कोई नया वीडियो यहां अपलोड करूं तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। नमस्कार।